अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं जो है अपने वर्कशॉप पे नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं सोचा क्यों ना, अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है, मेरा तबीयत भी ख़राब था इसकी वजह से बहुत दिन से वीडियो भी नहीं आ रहा था। तो अभी मैं सोचा क्यों ना आपके लिए जो जुगाड़ से रिलेटेड एक तो अपना वीडियो जो है अपने घर पर ही बनाऊँ आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको घर में पड़े कुछ सामान जैसे सैनिटाइजर का डब्बा हो गया, उससे जो मैं आपको ना स्टीमर बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। मार्केट में अभी स्टीमर का रेट जो 200 से 400 के आसपास आता है, पर वो जो अभी 700-800 रुपये तक भी मिल रहा है। तो इसमें आज की वीडियो में कोई भी सामान आपको बाहर मार्केट से नहीं लेना है, और वो सारे जो सामान है दोस्तों मैं जो ये वीडियो में स्टीमर बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों, वो जो है आप पूरा का पूरा सामान आपको अपने घर में ही मिल जाएगा, जिसमें सैनिटाइजर का डब्बा और जो पुराना आपका गर्म पानी करने का हीटर है दोस्तों, वो आपको वहाँ पे यूज करके आप बना सकते हैं दोस्तों। तो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक कैंप जो रखते हैं अपन दोस्तों, कम से कम 50 लाइक रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से इस 50 लाइक को पूरा करा दीजिएगा दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। एक खाली बॉटल सैनिटाइजर का, एक हीटर पुराना, एक पुराना पाइप, एक टेप, एक लोहा काटने का ब्लेड, एक कटर, एक चाकू, जो अपने घर में बहुत ही आसानी से, जहाँ तक का सभी के घर में ये होगा। अब अपने को क्या करना है, ये जो सैनिटाइजर का डब्बा है इसके ढक्कन को खोल लेना है। ये हर ढक्कन को खोलने के बाद से अंदर वाले जो सील टाइट जो ढक्कन बोलते हैं, इसको भी आपको निकाल लेना है। यही ढक्कन जो है अपने स्ट्रीम को बाहर फैलने से रोकेगा, और बिल्कुल पाइप में ही पूरा स्ट्रीम को जो है छोड़ेगा ये। तो अपन क्या करेंगे, इसको पाइप के साइज में इसको अंदर से काट लेंगे, पाइप जो अपना इसके अंदर जाएगा। तो मैं जल्दी से काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो अपना एयर टाइट जो ढक्कन था, इसको अपन पाइप के साइज में काट लिए। अब इसको पाइप में इस तरीके से इसको लगा देंगे। अब इसको इस तरीके से लगाने के बाद से अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है टेप लगा देंगे। टेप लगा देंगे तो फुल जो है एयर टाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको कटिंग पूरा मतलब टेप लगा के इसको टाइट कर लेना है। अब ये दूसरे वाले ढक्कन को देखिए, इसको भी अपन को यहाँ पे जो होल करना है, ये ढक्कन जो अपन होल करेंगे, पाइप जो इसके ऊपर से मतलब पार हो जाए। ये ढक्कन जो अपना होल हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा पाइप में अपन लगा के देख लेते हैं, घुस रहा है कि नहीं पाइप इसमें। तो ये पाइप अपना घुस गया है। अब अपने को क्या करना है, इसको जो है पहले जो ढक्कन अपन जो टेप किए थे, इसको ऊपर ला के यहाँ पे एकदम बिल्कुल बैठाने के बाद से चिपका के इसको ऊपर से फिर से यहाँ पे टेप से इसको जो है लॉक कर देंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे टेप पूरा लपेट देते हैं, जिससे पूरा एक मतलब एयर टाइट हो जाइए। तो चलिए दोस्तों अपना जो ये पूरा टेप लग के ये मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। अब अपन को यहाँ पे क्या करना, देखिए इसको यहाँ पे डब्बे पे लगा के देख लेना, ये डब्बे पे इस तरीके से यहाँ पे जो ये लगेगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपने को जो यहाँ पे जो है डब्बा के पीछे से हीटर को मतलब फिट करना है दोस्तों। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है यहाँ पे अपने डब्बे को जो है पीछे की तरफ से, यहाँ पीछे की तरफ से अपन क्या करेंगे, पीछे से जो है डब्बे को थोड़ा सा यहाँ पे जो है कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद से अपना जो हीटर है ये यहाँ आराम से इसके बॉटल के अंदर जो है घुस जाएगा। ये जो है अपना हीटर इसके अंदर चले गया। अब अपने को इसको जो है अंदर तक पूरा बैठाने के बाद से क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। और इसको बंद करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिंपली जो इलेक्ट्रिक टेप होता है उसका यूज करेंगे, उससे इसको पूरा बंद कर देंगे। आप यहाँ पे चाहे दोस्तों, अगर आपके पास है, अगर ग्लू गन का यूज कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे आप एमसील का भी यूज कर सकते हैं। तो अपन जो ये पूरा जो है ये वीडियो बनाया दोस्तों, कि घर में जो भी सामान ज़्यादा से ज़्यादा हर एक के पास रहता है, उसी सामान से बनाने के यहाँ पे जो अपन जो वीडियो में ट्राई किए हैं दोस्तों। तो इसको टेप से मैं पूरा यहाँ पे बंद कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से जो है स्ट्रीम जो यहाँ से पास होगा दोस्तों, इसलिए इसको वजह से पूरा इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। अपना ये जो है पूरा मैं इसको पूरी तरीके से टेप से बंद कर दिया हूँ, और यहाँ से पीछे की तरफ से हीटर के पास से कोई भाप जो है यहाँ पे लीक नहीं करेगा। अब जो अपन पाइप बनाए थे दोस्तों, उस पाइप को यहाँ पे देखिए ऊपर एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अपना पाइप जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट हो चुका, और ये अपना जो है स्टीमर जो भाप स्टीमर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए देखने में बड़ा मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है अपना स्टीमर जो है। तो चलिए अपन जल्दी से इसमें जो है पानी भर लेते हैं, और पानी तकरीबन अपनों को आधा बॉटल भरना है, जिससे जल्दी जो है अपना ये गर्म हो जाएगा।
तो ये अपना पानी भर चुका है और मैं जो यहाँ पे उस ढक्कन को फिर से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। और ये अपना इस तरीके से पूरा स्टीमर में पानी भर के पूरा एयर टाइट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, बिजली के प्लग से इसको लगा देंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये पानी जो है उबल जाए और भाप आना चालू हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है भाप निकलना चालू हो चुका है और बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे बहुत तेज़ भाप यहाँ पे निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे जो भाप लेके देखते हैं। स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा तेज़ है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो हीटर को बंद करके जो है भाप लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो देखा दोस्तों कितना आसान है दोस्तों अपने घर पे एक स्टीमर बनाना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।